वेलकम टू स्टडी 3Y दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इस बार जो RRC ग्रुप डी का कट ऑफ फाइनल कितना तक जा सकता है। और एक नोटिस RRB के वेबसाइट पर आ चुका है। इस नोटिस में आपको पूरा डिटेल से बताया गया है कि जो RRC ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम कब से होगा, आपको 25 तारीख को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि ताकि इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि कितना आपका जो फाइनली कट ऑफ जा सकता है, कैसे आपको तैयारी करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी के लिए कट ऑफ गया था, यहाँ फ्रेंड्स जो अजमेर का है, और ये कट ऑफ गया था 73% कुछ जो और कैटेगरी के लिए है। अगर OBC की बात करें तो इसका जो कट ऑफ गया था फाइनली 70 के बाद, यानी 70% कुछ गया था। इसके बाद SC की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कट ऑफ गया था 63% कुछ, और ST की बात करें तो यहाँ पर गया 60% कुछ। तो ये अजमेर का कट ऑफ है। अब देखते हैं दोस्तों इलाहाबाद का जो फाइनली कट ऑफ कितना तक गया था। और कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था 74% कुछ गया था, और OBC का जो कट ऑफ गया था 69% कुछ गया था, AC का जो गया था 62% कुछ गया था, और ST का जो कट ऑफ गया फाइनल कट ऑफ 50% कुछ। और ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कट ऑफ हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 60 मार्क्स आता है तो 60 ही जो कट ऑफ बनेगा, नहीं, बढ़ भी सकता है, 75 भी हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है इतना कट ऑफ देख कर। चलिए आगे देख लेते हैं। एक है अहमदाबाद, अहमदाबाद का जो कट ऑफ गया था और कैटेगरी के लिए 71% कुछ गया था, OBC के लिए 66% कुछ गया था, AC के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ गया 23 यानी 60 सॉरी फ्रेंड्स 60 गया, ST के लिए जो कट ऑफ बना यहाँ पर 57% कुछ। इसके बाद और दो चार कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद मैं 2018-19-16 में बताने वाला हूँ कि फाइनली कट ऑफ कितना तक जाएगा। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 62% कुछ कट ऑफ गया था फाइनली, OBC की बात करें तो यहाँ पर 56% कुछ गया था, AC की बात करें तो 49% कुछ गया था, और ST की बात करें दोस्तों तो यहाँ गया था 32, ठीक है। और अब देखते हैं भोपाल का, जो भोपाल का है 75, ठीक है, 75% कुछ गया, OBC का भी गया 70, ST का जो गया था 63 गया था, और AC का सॉरी फ्रेंड्स 63 और ST का 58। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो और कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 70 से ऊपर बन रहा है, ठीक है दोस्तों, 70 से ऊपर बन रहा है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों बात करते हैं 2019 का जो फाइनली कट ऑफ कितना तक जाने वाला है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है 1,03,769, इसमें लगभग 2 करोड़ तक पहुँच गए हैं जो फॉर्म अप्लाई किए हैं कैंडिडेट। और इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, और ये जो फॉर्म भरा गया था 10th पास के लिए भरा गया था, ओके दोस्तों। और जो इसका एग्ज़ाम तो जाने के ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस पर आधारित होगा, ओके दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जान लेते हैं 2019 का RRC ग्रुप डी का जो कट ऑफ फाइनली कितना तक जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो 72% कुछ यानी 72 से ऊपर रहेगा। और ये दोस्तों कट ऑफ जो बनेगा आपका फाइनली नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, यानी आपका 65 मार्क्स आता है जनरल कैटेगरी से तो आपका 80 भी पहुंच जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये बात ध्यान में रखना है आपको, ओके। इसके बाद OBC की बात करें तो यहाँ पर जो इसका कट ऑफ बनेगा 66% कुछ यानी 66 से ऊपर रहेगा। SC की अगर हम बात करें तो 66, ST की बात करें 54, और अदर्स की बात करते हैं तो 39 बनता है, फिर 39, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का 2019 में कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कम से कम आपको अक्टूबर मंथ के बाद, क्योंकि आपको 25 सितंबर को एक नोटिस आएगा, उस नोटिस में आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है RRB NTPC का एग्ज़ाम होगा या ग्रुप डी का। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे अनुमान के अनुसार जो NTPC का ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह का न्यूज़ आप पल पल पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।